तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ज्ञान दिखाया जाता है जिसके सर में शदीद दर्द होने की वजह से वो इतनी ज्यादा मेडिसिन खाने लगता है तो उसे आकर चीज और रोकने लगता है, कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और सॉन्ग ज्ञान अपने और लोअन के बारे में सब कुछ बता देता है कि हम दोनों को इंसोम्निया की डिजीज है जिसकी वजह से हम दोनों एक साथ होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। जिजा उसकी बातों के बाद यकीन थोड़ा बहुत कर भी लेता है पर सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा। और चीजाओं को फिर याद आने लगता है कि जब एक दफा लोअन उसके पास आती है तो उसकी फिंगर को टच करती है और फिर उसने कहा था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो इसके पास सॉन्ग ज्ञान को कहने लगते है कि मुझे तुम पर भी यकीन है और मुझे लोअन पर भी यकीन है। और घर पर लोअन दिखाई जाती है जिसको नींद नहीं आने की वजह से वो आकर ड्रिंक कर लेती है। जैसे ड्रिंक खत्म करती है तो इतने में उसकी माँ पीछे से आ जाती है, कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लोअन कहने लगती है कि माँ पानी पीना था तो नीचे आ गई, ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। इस सब के बाद लोअन की माँ जब रूम में जाती है तो लोअन के डैड को उठाकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे कुछ ना कुछ लोअन में अजीब लग रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ड्रिंक करते हुए देख लिया था। और मॉर्निंग में लोअन दिखाई जाते जो आकर मुरझाए हुए फ्लावर्स को काटने लगती है। इतने में वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसे दूर से खड़े होकर छुपकर देखने लगते हैं कि वो क्या कर रही है। और वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चिजाऊ लोअन के मॉम डैड के पास बैठा होता है। लोअन जैसे ही आती है तो चिजाऊ को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो चिजाऊ लोअन से बात करने लगता है, कहने लगता है कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे तुम मेरे साथ पिकनिक पे जाओगी। तो वो कहने लगती है कि पिकनिक, कैसी पिकनिक। तो चिजाऊ से इशारा करता है जिसके बाद वो फौरन कह देती है कि हाँ मुझे तो भूल गया था, मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था, मैं अभी अपनी चीजें लेकर आती हूँ। पर उसके डैड रोकर कहने लगते हैं कि बस तुम दोनों होगे ना, कोई तीसरा तो नहीं होगा। जिस पर चिजाऊ कहने लगता है कि नहीं बस हम दो ही होंगे। फिर लोअन की माँ उसे चीजें लेने के लिए भेज देती है। जब लोअन चली जाती है तो चिजाऊ से बैठकर दोनों बात करने लगते हैं। डैड चिजाऊ से कहने लगते हैं कि लोअन का अच्छे से ख्याल रखना, उसको इंसोम्निया की डिजीज है। तो चिजाऊ कहने लगता है कि क्या उसको दोबारा से अटैक हो गया। उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या मतलब। तो वो कहने लगता है कि एक साल पहले इसके साथ ऐसा हुआ था तो उसके बाद से कभी भी सो नहीं पाई रात में, पर अंदर से काफी सही हो गई थी। ये बातें सुनने के बाद तो लोअन के डैड लोअन की माम की तरफ देखने लगते हैं। और जैसे लोअन चिजाऊ के साथ बाहर आ जाती है तो उसे बाहर आकर पूछने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वो उसे पीछे मुड़ने को कहता है। पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ से सॉन्ग ज्ञान आ रहा होता है। सॉन्ग ज्ञान को तो देखकर लोअन काफी खुश हो जाती है, उसकी क्लोज जाने लगती है। पर दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फिजिकल अटैच नहीं होना होता। और लोअन कहने लगती है कि क्या हमने अब यहीं पर सोना है, तो इसलिए दूर रहो। और इसके बाद चिजाऊ वहाँ से चला जाता है। और इधर घर पर लोअन के डैड दिखाए जाते हैं जो काफी परेशान से हुए होते हैं। उन्हें देखकर लोअन की माम कहने लगती है कि आपको क्या हुआ, अगर आप लोअन को नहीं भेजना चाहते थे तो पहले ही मना कर देते, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो अपनी बेटी का पता है, अगर वो बाहर गई है तो उसने तो उसको कहा होगा कि मुझे सॉन्ग ज्ञान से मिलना है। और कहीं ना कहीं उसके मॉम डैड को इस बात का शक हो जाता है कि जो लोअन ने बात की थी कि हम दोनों को इंसोम्निया है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तो सो जाते हैं। पर उसके डैड ये बात मानने से मना करते थे और कहने लगते कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और इधर लोअन के घर पर सॉन्ग ज्ञान दिखाया जाता है जो बस एक दूसरे को देख ही जा रहे होते हैं। इतने पर डोर पर नॉक होता है तो लोअन पूछते है कि कौन है, तो आगे से उसके डैड कहते हैं कि मैं हूँ। ये सुनने के बाद तो वो सॉन्ग ज्ञान को रूम में ले जाती है, उसे वहाँ पर जाके एक ड्रेस देती है और कहने लगती है कि ये पहन कर लेट जाओ और मैं डैड से कह दूंगी कि यहाँ पर टोंग आया हुआ है। तो उसके डैड भी उसके साथ आकर बैठ जाते हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे होते इतने में गलती से सॉन्ग ज्ञान को छींक आ जाती है जिसकी वजह से उसके डैड को शक हो जाता है और पूछने लगता है कि वहाँ पर कौन है। तो लोअन कहने लगते है कि हाँ टोंग आया हुआ है और उसको काफी ज्यादा जुकाम बुखार है तो इसी वजह से वो लेटा हुआ है। तो उसके डैड कहने लगते है कि जब तुम्हारी तबीयत का मैंने सुना तो सूप लेकर आया था, उसे भी कहो वो भी बाहर आ जाए, वो भी सूप ही ले, उसके लिए भी अच्छा होगा। पर आगे से सॉन्ग ज्ञान आवाज चेंज करते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं सूप नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं थोड़ी रेस्ट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर लोअन के डैड कहने लगते हैं कि कभी इसने पहले तो अंकल से ऐसे बात नहीं की थी। तो आगे से लोअन के डैड भी कह देते हैं कि सॉन्ग ज्ञान कैसी तबीयत है तुम्हारी। तो गलती से सॉन्ग ज्ञान भी आगे से बोल पड़ता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ से तो लोअन के डैड उसे पकड़ लेते हैं और दोनों को सामने बिठा लेते हैं, उनसे बात करने लगते हैं। अब दोनों के दोनों ही डैड को इतना यकीन करवाने लगते हैं कि सच में हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम जब भी एक दूसरे के क्लोज में आते हैं तो हमें नींद आ जाती है। पर उसके डैड को यकीन नहीं होता। सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि अगर आपको यकीन नहीं तो हम आपके सामने ही दोनों सोकर दिखा देते हैं। तो इसके बाद डैड उन दोनों को टाइम दे देता है कि एक दूसरे को टच करके सो जाओ। दोनों एक दूसरे के साथ फिंगर्स भी लगाते हैं पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती, यहाँ तक कि हाथ भी पकड़ लेते हैं पर नींद नहीं आ रही होती। इतने क्लोज में आकर उसके डैड देख रहे होते हैं तो दोनों ही आंखें खोल कर डर जाते हैं। और लोअन अपने डैड से कहने लगती है कि अगर आप इतने क्लोज से देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप थोड़ा दूर जाए ना। तो लोअन के डैड भी थोड़ा दूर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। अब जब दोनों को नींद नहीं आ रही होती तो सॉन्ग ज्ञान कहने लगता है कि मैं ट्राई करता हूँ। ये कहकर वो लोअन का हाथ अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से दोनों ही वहीं पर सो जाते हैं और ये लोअन का डैड भी देख लेता है। और फिर हमें शामो दिखाई जाती है जिसको एक चीज के बारे में पता लगता है कि बचपन में लोअन की टीचर कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ज्ञान की मॉम थी, उसकी टीचर वो भी शैलो टीचर थी। समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। इधर हमें डॉक्टर ली दिखाई जाती है जो उनकी रिपोर्ट्स को देख रही होती है पर अभी उन्हें कोई भी डाटा रिसीव नहीं हो
रहा होता। इसी वजह से वो सोंगयान को कॉल करने लगती है, पर वो उनकी कॉल को नहीं अटेंड करता। और घर पर हमें लुआन और सोंगयान दिखाया जाता है जो दोनों ही उठ जाते हैं। जैसे लुआन उठती है तो सोंगयान की कलाई को देखते जो काफी रेड हुई हुई थी। और यहीं से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लुआन के डैड ने देखा था कि वो दोनों सो गए तो अपनी बेटी पर आके ब्लैंकेट दे दी, और फिर देखा कि दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है तो उन दोनों का हाथ छुड़वाने में सोंगयान के हाथ पर इतनी ज्यादा फोर्स लगाता है कि वहां से वो रेड हो जाता है। और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या डैड ने यकीन कर लिया होगा, जिस पर लुआन कहते हैं कि अगर डैड ने ना यकीन किया होता तो अभी वो यहीं पर होते तुम्हें मारने के लिए। और फिर सोंगयान अपने मोबाइल पर देखता है कि डॉक्टर ली की बहुत ज्यादा कॉल्स आई होती हैं, तो वो उन्हें कॉल बैक करता है, जिस पर उठाते साथ ही प्रोफेसर ली उन्हें डांटने लगते हैं। इतना डांटे कि उन दोनों को अपने पास आने को भी कहती है। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर ली उन पर बहुत गुस्सा होती है। उन्हें इस तरह देखकर लुआन कहने लगती है कि आज कैसी किस्मत है हमारी, हम जहां पर भी जाते हैं हमें सबसे पहले सॉरी करना पड़ता है। और फिर प्रोफेसर ली उन्हें डांटने लगती है कि तुम दोनों फिर से क्यों सो गए जब मैंने तुम दोनों को एक साथ रहने से मना किया था। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर डॉक्टर ली उनकी एक बात नहीं सुनती और कहने लगती है कि मैंने भी तुम लोगों के साथ एक चीज करनी है। तो वो उन दोनों को चेयर्स में बिठा देती है, उसके बाद उन्हें आइस बंद करने को कहती है। और जैसे ही दोनों आइस बंद करते हैं तो दोनों को वही वाला नाइटमेयर आ रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों डर कर उठते हैं। उठने के बाद दोनों के सर में दर्द हो रही होती है। प्रोफेसर ली कहने लगती है कि जब तुम दोनों ने आंखें बंद की हुई थी तो तुम दोनों किसी के डूबने का नाम ले रहे थे और कुछ पानी के रिलेटेड नाम ले रहे थे, और ये सब बातें उनकी पीछे से कोई सुन लेता। अब ये तो पता नहीं होता कि वो किसने सुनी, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।